बहुत सारा मेरे को मैसेज आता है कि अभी जैसे एग्जाम में अराउंड कितना दिन बाकी, 50 डेज बाकी रफली, सो किस तरीके से हम लोग को पढ़ना चाहिए, राइट? सो अभी बहुत नया नया करिकुलम आया है, एंड पहले क्या होता था, वन अलग होता था तो एकदम मुन्ना था वन, तो एक शुरू होने से पहले ख़त्म। फाइव वॉज अ बिट लेंदी, बट अगर कोई ढंग से देखेगा तो वन और फाइव में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड प्लस हम लोग को एक्सेल भी संग संग करना है। सो टुडे आई हैव कॉल्ड द गर्ल हु हैज़ टॉप्ड इन CM1 फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट, शी हैज़ गॉट 82। लाइक पहले तो बहुत ज़्यादा नंबर आता था, 95 ऐसे आता था, बट अभी सीइंग द वास्टनेस ऑफ द पेपर्स, लाइक बीट CS1, बीट CM1, बीट एनी पेपर, सो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में देर मस्ट बी समथिंग इन हर कि एक बार में शी हैज गॉट 82, ठीक है? एंड CM1 इज द लेंथीएस्ट पेपर टू डू। अगर आप लोग CM1 बहुत अच्छे से कर पाते हो तो आप लोग को आई डाउट कि और कोई पेपर में इतना दिक्कत टाइप में होगा, ठीक है? सो आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बहुत बोलते कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज हम नहीं बोलेंगे, आज हमारा बच्चा लोग बोलेगा, ठीक है? सो लेट्स कॉल हर, शी इज अनुष्का, शी हैज गॉट 82 इन CM1, ओके? सो तुम लोग का जो भी सब क्वेरीज है वो तुम लोग इससे डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखो ऐसे एकदम नॉर्मल दिखता है, जो लोग टॉप करते हैं एकदम ऐसे ही नॉर्मल दिखता है। यहीं बैठती थी वो, यहीं पर, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसी बैठती थी, ठीक है? तो तुम लोग का जो भी सब क्वेरीज है यू कैन आस्क वन बाय वन। थोड़ा बहुत जो जनरल क्वेश्चंस मेरे पास आता है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि लास्ट का 40 डेज में क्या करना चाहिए, ठीक है? वी विल बी कंप्लीटिंग आर सिलेबस बाय August 10th, सब कुछ एक्सेल वगैरह सब कुछ विल बी कंप्लीटिंग बाय August 10th। इन लोग का भी रफली उसी टाइम तक हुआ था, 2 महीना पहले, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रिपेयर की थी, ठीक है? हाँ, तो लास्ट का 40 डेज यू डोंट हैव टू टेक मच प्रेशर. मतलब लास्ट का 40 डेज में बेसिकली एक्सेल को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इस बार एक्सेल का पेपर बहुत टफ आया था. एंड How many of you have started Excel? लग रहा है कि started Excel. हाँ, लग तो तो वही सारा गलतियां सुधार के जाएंगे, ठीक है? तो डेली एक्सेल को लाइक अराउंड 1.5 आवर देना ही होगा, वरना फिर एग्जाम के टाइम पे फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि टाइम इज वेरी लेस. 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर होता है, तो टाइम इज वेरी लेस. तो हम लोग को एक्सेल को डेली प्रैक्टिस करना होगा. एंड सिंस CT1, 5 एंड एक्सेल तीनों एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो फिर जैसे एक दिन CT1 और एक्सेल कर लिया, दूसरा दिन फिर 5 और एक्सेल कर लिया, ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर हाउ एवर यू वॉन्ट टू मैनेज. तो बट एक्सेल को वीक पे अच्छे से करना होगा. एंड देन CT5 का सम्स जो होता है वो रॉन्ग होने का बहुत चांसेस होता है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली. फिर लास्ट 50 डेज में आई फोकस्ड ऑन एक्सेल, और उसके बाद आई बेसिकली प्रैक्टिस CT5 सम्स अ लॉट. एंड पास होने के लिए कोई दिक्कत है क्या? लाइक पास होना इज दैट डिफिकल्ट इन CM1? पास होना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. मतलब पास तो हो जाएंगे, पर टू गेट अ गुड स्कोर इज डिफिकल्ट. मतलब थोड़ा एक्सेल के ऊपर जोर डालना होगा एंड CT5 के ऊपर फोकस करना होगा. पास होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? लोगों को मतलब बहुत डर लग रहा है, पास नहीं हो सकते ऐसा लग रहा है. पास होने का कोई टेंशन नहीं है, पास तो हो जाएंगे सर. इतना सर का कॉपी इज इनफ फॉर पासिंग. एंड और बस वही. CT5 बहुत लंबा है एंड क्वेश्चंस भी बहुत लंबा आते हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 5 हो. सो हाउ टू मैनेज दैट? तुमको लगता है 3 आवर्स इज इनफ एंड दैट एक्सेल का जो टाइम पीरियड है, तो हाउ टू ओवरकम दैट कंस्ट्रेंट कि टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट रहता है 5 के एग्जाम में मेजरली? हाँ, तो 5 का एग्जाम में बस वही है, डेली अगर प्रैक्टिस करेगा तभी फ्लो आएगा. एग्जाम अगर हम सोचेंगे कि बस सम को देख लेते हैं, क्योंकि सारे सम सीखेंगे तो CT5 का बुकलेट्स में ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजेस होगा. तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है छोड़ देते हैं, हो जाएगा एग्जाम में. वैसे करेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं तो फंसेंगे. तो एवरी टाइम हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक्सेल को भी वैसे हर दिन प्रैक्टिस करना होगा. एक्सेल का टाइम एक्सेल का जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट है. एक्सेल का भी मतलब खत्म नहीं होता है, तो हर रोज एवरेज में, लाइक अगर हम लोग बात करें वीक में सब एवरेज आउट होके, हाउ मच टाइम शुड बी डिवोट टू CM1 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स?
From now onwards, like you were economics honors student, right? So you had a bit less time than BCom students. Yeah. So ये लोग को कितना दे रही? लेकिन ये लोग पूरा दिन बिल्ला है. लोग पूरा दिन कुछ नहीं करते. तो अभी जैसे क्लासेस भी कम हो जाएगा, तो लोग किस तरीके से कितना दिन कितना देरी पढ़ना पड़ेगा हर दिन? हर दिन देखो डेढ़ घंटे एक्सेल प्रैक्टिस करो और साथ में 1.5 आवर्स. या सो और उसके साथ में CT 1 या 5 जो भी कर रहे हैं उसको अराउंड 2-2.5 आवर्स कर लो, हो जाएगा. हाँ, 4 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा. हाँ, नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू विल गेट गुड मार्क्स. छुट्टी है उस दिन, जो जो पार्ट्स में डाउट होता है फिर वो सब पार्ट्स कैसे ढूंढ कर रख लो, फिर सर को आके पूछ लो नेक्स्ट क्लास में वैसे कुछ करो. और वीकेंड्स का टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए बिकॉज ऑफ डेज नहीं मिलता है कॉलेज से. और जब एक बार CT 1 का एग्जाम दिया उसमें नंबर ही नहीं बताया था, तो इनसे पूछो कि कैसे नंबर लाते हैं. हैंड रेस कोई अगर मैट तभी करो वेन यू प्रैक्टिस मैट एटलीस्ट ट्वाइस. क्योंकि मैट अगर तुम करेगा तो फिर तुम भूल जाएगा. एक बार करेगा तो दूसरी बार तुमको करना होगा टू रिटेन इट, टू रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम. तो फिर वापस से मैट को एक बार करने का टाइम है तो करो. और पास पेपर्स जो जो जैसे बुकलेट में नहीं है वो सब पास पेपर्स कर लेने से. एंड मैट का द रीडिंग इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, बट सम थोड़ा बहुत जो पीछे में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है वो सब कर लेने से होगा. प्रूविंग जो आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स में आप लोग किया है वो 4 चैप्टर्स आपका बेसिक है. तो CT 5 का फर्स्ट 4 चैप्टर्स वो ऐसे स्टार्टिंग में लगा होगा कि बहुत टफ है टाइप है, वो याद नहीं होगा. बट इवेंचुअली उसको हर सम में यूज करना ही होगा, उसका प्रूफ अपने आप याद हो जाएगा. उसको हर सम में यूज करना होगा एंड यू हैव टू स्टार्टिंग का 4 चैप्टर्स अपने हाथ से 2-3 बार लिखना होगा वरना याद नहीं होता वो सब. वो सब हाँ, क्योंकि उसको तुमको जब प्रीमियम कैलकुलेशन करेंगे तो यूज होगा वो सब. और लाइक जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है, जैसे हो सकता है सबको ऑलमोस्ट 20% डिफिकल्ट लगे पूरा सिलेबस में, तो उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना? जो आता है अच्छा से पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. अभी जैसे यू हैव टाइम, 2 बार हो तो ही उस चीज को करो. हाँ, वरना दिमाग मत लगाओ. हाँ, वी शुड रन आफ्टर द क्वेश्चंस जो खाली एक बार आए जो बहुत डिफिकल्ट है, या फिर वी शुड डू दोज 85% एकदम अच्छा से, एकदम जिससे आने का बहुत श्योर शॉट टाइप का चांस है. ऑफ कोर्स जो आने का एकदम पूरा चांसेस है हर पेपर में आ रहे वो सब भी करना होगा तुम लोग को. और फिर जो तुम्हारा टफ पोर्शन है वो सबको तुम अभी जैसे यू हैव टाइम तो अभी हो सके तो टफ पोर्शन देख लो एंड एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज हो पाए तो उसको रिवाइज कर लो. एंड इजी पोर्शन को तो तुमको अच्छे से करना ही पड़ेगा क्योंकि वही स्कोरिंग है. और अगर तुम इजी पोर्शन एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा तो फिर तुम पैनिक हो जाएगा एग्जाम में और फिर पेपर कम्प्लीट नहीं हो पाएगा. हाउ टू डू, मतलब थ्योरी पहले, जैसे लोगों का जो मेंटालिटी है कि थ्योरी पहले पूरा कर लेते अच्छा से, एक हफ्ता में एक्सेल देख लेंगे. नहीं, वैसे थ्योरी अगर करेगा तो तुम लोग भी बोर हो जाएगा थ्योरी करते करते, और एक्सेल को साथ पे करो तो मजा आएगा करने में. एक्सेल मतलब साथ साथ, पहले थ्योरी चैप्टर फिर एक्सेल. हाँ. और कुछ पूछना है तो? हाँ, एक एक्सरसाइज को एटलीस्ट 3 बार तुमको करना होगा. एक बार तो क्लास में शिवांगति करा देती है और दूसरा और 2 बार मतलब एक बार जिसका मतलब सारा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, जैसे फर्स्ट 8-9 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं. फर्स्ट 8 चैप्टर्स को मतलब एक बार क्लास में होगा तो फिर यू कैन लीव, बट बाकी का सारा चैप्टर्स को करना होगा. उतना हम नहीं किया था. हाँ, तभी तो बोला ना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. मतलब एग्जाम के टाइम पे ऐसा मतलब कोई भी क्वेश्चन CM 1 का पेपर में अननोन नहीं लगेगा तुम लोग को, क्योंकि सारा क्वेश्चन तुम लोग का बनाया हुआ होगा. बट जब करने जाएंगे ना तब उसमें अंदर अंदर समझ आएगा. तो एटलीस्ट पेपर देख के आई डोंट थिंक सो एनीवन विल पैनिक. इससे एक चीज को याद आ रहा है, एंड टू एंड सॉल्व करना चाहिए ना, खाली इक्वेशन बना के छोड़ दे पूरा एकदम.
पूरा एंड टू एंड सॉल्व करें ना, बना के छोड़ दे पूरा फाइनल आंसर तक मैच कराओ, और मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट्स में भी दिक्कत हो तो सर से एक बार पूछ लो, फाइनल आंसर तक आना चाहिए पूरा आंसर मैच कराओ। और अगर तुम्हारे फर्स्ट टाइम में आ गया तो ये नहीं है कि तुम उसको छोड़ दो एग्जाम में, अब हो जाएगा, एक और बार उसको देखना पड़ेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स दैट वी टेक? मॉक्स ऑफ कोर्स हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, तो मॉक्स दिया करो। और मॉक एग्जाम देने से फायदा होता है? हाँ मतलब 40-50% तुम्हारा टेंशन थोड़ा खत्म हो जाएगा एग्जाम के पहले, उतना डरा हुआ फील नहीं होगा। और क्या सॉरी लास्ट मिनट रिवीजन, जैसे लास्ट का 40 डेज में हम डेली एक्सेल किया था, 1 आवर 1.5 आवर हम किया था एक्सेल। हाँ क्योंकि हम लोग के टाइम पे भी एक क्वेश्चन आया था जो हम लोग को नहीं समझ आया था कैसे करना है, तो वैसा क्वेश्चंस आ सकता है। वो पढ़ाए थे, थ्योरी में पढ़ाया था, बट एक्सेल में उसका असाइनमेंट था नहीं, तो उसकी वजह से एक्सेल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था उस क्वेश्चन को करने में। और फिर CT1 में ऑफकोर्स डाउट्स मार्क हो गए तुम लोग का, जो है वो सब डाउट्स को वापस प्रैक्टिस कर लो। बहुत बार होता है कि डाउट को हम लोग मार्क करके छोड़ देते हैं, पूछते भी नहीं है, वो सब एक बार सर को पूछ लो वापस आकर। और CT5 का मतलब प्रॉफिट टेस्टिंग जॉइंट लाइव, इसे प्रैक्टिस करना होगा बहुत अच्छा से लास्ट में। अगर अभी से भी पढ़ेंगे तो क्या पास हो सकते हैं? आराम से। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अभी रिजर्व्स वाला जो सम्स होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, बट लोन शेड्यूल वगैरह उसमें उतना टाइम लगता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑफकोर्स देखा ही होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो जितना वो एफिशिएंसी बढ़ेगा तभी तो, वरना एग्जाम में वरना 45 मिनट्स में हाउ विल यू सॉल्व द इंटायर पेपर, 100 मार्क्स का पेपर आता है। डिपेंड करता है, हम लोग के टाइम पे 3-4 हाँ तो उसमें ज्यादा कुछ हम लोग पढ़ नहीं पाएगा। हम उस टाइम पे हम खाली CT5 पढ़ा था, हम 1 पढ़ भी नहीं पाया था, तो 5 का हम बेसिकली जॉइंट लाइफ प्रॉफिट टेस्टिंग और थियोरी का जो चैप्टर 1 और 2 है वो सब देख लिया था। थियोरी हम लोग के टाइम पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन, और बाकी जो इंक्लूसिव होता है मतलब जो पार्ट्स में होता है वो सब तो आता ही है, बट एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2 हम लोग के टाइम पे आया था 8 मार्क्स का मैट में। हाँ सर बढ़ा देंगे वैसे, और फिर वही उसको तुमको अच्छे से लिख के आना पड़ेगा, अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना होगा, उन लोगों मार्क्स नहीं देता है। खुद से बुकलेट्स कर लो अच्छे से, और टाइम मिलने से मैट, और मैट का पीछे का क्वेश्चंस कर लेने से हो जाता है। पहली बार बुकलेट हम बता रहे कितना बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार सॉल्व करने से तो फेल, दो बार सॉल्व करने से बॉर्डर लाइन, मतलब अगर लक अच्छा हुआ तो 61 नहीं तो 59, और 3 बार सॉल्व करेगा तो 70, 4 बार करेगा तो मतलब 4 बार करने से बनेगा एकदम सम्स एग्जाम में। चार मेरा एक दो क्वेश्चन और था, जैसे अब की बार जो हुआ द मेन ड्रॉबैक की 82 कुड हैव बीन 88 ऑल्सो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ CM1 दे पैनिक्ड, एंड इन एवरी प्रैक्टिकल पेपर लाइक 500-600 स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट पैनिक्ड बिकॉज एक्सेल का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया था, राइट? तो अब की बार पहले कौन सा पेपर है, एक्सेल है कि थ्योरी है? एक्सेल ही है पहले, ठीक है। सो वो तो मेरा दुआ है, बट अगर मान लो कुछ भी बहुत ज्यादा जोर का पेपर आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आए, 50 नंबर का मान लो, 50 नंबर भी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है?
हाँ तो जैसे जो भी क्वेश्चन एकदम टफ आ रहा होगा वो क्वेश्चन अभी उसका वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, हो सकता है तुम लोग के टाइम पे इजी आ जाए या कैसा भी हो सकता है, और फिर जो क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं है उसके लिए फिर अभी उसका वो 50 जो तुम्हारा छूट गया अगला दिन यू हैव द थ्योरी पेपर, तो तुम थ्योरी को खराब नहीं कर सकते। अगर एक्सेल टफ आया तो थ्योरी इजी आएगा ही आएगा, तो फिर थ्योरी पेपर पे अच्छे से फोकस करना होगा, पैनिक करने से नहीं होगा। पैनिक किया तो फिर तो अगला दिन तुम एग्जाम देने के लिए तुमको बहुत ज्यादा तुम बहुत प्रेशर फील करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आया तो भी 50 × 0.3 कितना होता है 15 नंबर, और जनरल में 20 नंबर का पेपर टफ आता है, जनरल में 20 नंबर का पेपर टफ आता है। तो वो तो अगर कोई लोग बोलता भैया अगर एक्सेल नहीं होता ना खाली प्रैक्टिकल, मैंने कहा खाली एक्सेल नहीं होता खाली थ्योरी होता तो फाड़ दी होते भाई, अगर खाली थ्योरी होता तो 20 नंबर ऐसे देता जो तुम नहीं कर पाता, समझा। 80 नंबर तुम्हारे हाथ में, 20 नंबर तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो क्लिक होता है देन इट्स गुड, और एज यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो थ्योरी का पेपर एकदम 100 में 100 वाला पेपर दिया था एंड प्रैक्टिकल में 50 नंबर डिफिकल्ट दिया था, तो 15 × 0.3 इज हाउ मच 15, देन ऑल्सो यू हैव 85 लेफ्ट। तो ये बार बार मैं बोलूंगा नहीं, समझ सकते वापस ऐसा मौका नहीं मिले, तो ये चीज दिमाग में डाल लेना, इन केस अगर एक्सेल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी दे तो भी ठीक है, ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कुछ पूछना है जो सिलेबस के बाहर है उसको तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम एग्जाम में अटेम्प्ट तो नहीं कर पाएगा, सो लीव दैट क्वेश्चन और क्या कट सो स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, ये हम लोग हर बार करते हैं, एंड सो अ स्मॉल चेक फ्रॉम आवर साइड टू अनुष्का, ठीक है, फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन CM1 फर्स्ट टाइम। देखो यही होता है प्रैक्टिस, तुम लोग ना अभी आप बहुत कोशिश करते हैं, फर्स्ट टाइम इन CT3 शी गॉट हाउ मच 70 78, रुकी नहीं, अभी CM1 में 82 आया, अभी भी रुकेगी नहीं, अभी CM2 में आएगा फिर से। सो ये कोर्स का अच्छा क्या है, तुमको बहुत मौका मिलेगा अपने को साबित करने का। सो फर्स्ट टाइम 3-4 नंबर इधर उधर हुआ तो क्या दिक्कत है, उस समय तुम लोग का 97 आया था हाईएस्ट, बट अभी फिर 82 शी हैज गॉट। तुम लोग का ऐसा लग रहा है कि 80 में और 82 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो दो नंबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। 70 सबका आता है लेकिन 80+ किसी का नहीं आता है, ठीक है, ओके।